तो दोस्तों हर स्मार्टफोन की प्राइसिंग बढ़ती जा रही है और ऐसे में दोस्तों पहले जो स्मार्टफोन आपको सिर्फ 12,000 रुपए की प्राइस पर मिलते थे उन्हीं स्मार्टफोन की प्राइसिंग अब आपको यहाँ पर 12,500 से 13,000 रुपए तक देखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स की जो कि आपको मिलेंगे 12,000 रुपए के आसपास में, जहाँ पर आपको काफी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, साथ ही आपको यहाँ पर हाई रिफ्रेश का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और इसके अलावा यहाँ पर आपको 7000mAh की मैसिव बैटरी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और वैसे दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस और कैमरा की, तो परफॉर्मेंस भी यहाँ पर आपको काफी तगड़ी देखने को मिल जाएगी और कैमरा भी आपको यहाँ पर काफी कमाल के देखने को मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपका बजट यहाँ पर 12,000 रुपए के आसपास तक का है तो वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहेगा और साथ ही फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करने के लिए या फिर ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं आपका अपना टेक चैनल गैजेट न्यूज हिंदी। वैसे आप लोगों से यहाँ पर एक सवाल करना था कि अगर आपका बजट 12,000 से 13,000 रुपए का हो तो वो कौन सा स्मार्टफोन होगा जो कि आप इस बजट के अंदर परचेस करना पसंद करेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर उन यूजर्स की जिन्हें यहाँ पर मूवीज देखने का काफी ज्यादा शौक है, जिन्हें अच्छी खासी डिस्प्ले चाहिए, साथ ही जिन्हें यहाँ पर अच्छा कैमरा और साथ ही अच्छी बैटरी बैकअप चाहिए, तो वो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M21 का 2021 एडिशन। ये स्मार्टफोन को रियर माउंटेड वाले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको एंड्रॉइड 11 का 1UI 3.0 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर भी आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको डिजाइन भी ठीक ठाक दिया गया है। साथ ही यहां पर भी आपको ट्रिपल कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब आप इसे भी माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से एक्सपेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बेसिक फीचर्स की तो हमने बात कर ली, अब बढ़ते आगे और बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है यहाँ पर 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड की डिस्प्ले, जहाँ पर आपको ब्राइटनेस और कलर्स काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे और मूवीज वगैरह देखने के लिए यार सुपर एमोलेड डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है, तो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। साथ ही इसके बैक पे आपको यहाँ पर 3 कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल का। इसके अलावा यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप बैक कैमरा से 4K तक की और साथ ही फ्रंट कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस प्राइस के हिसाब से यहां पर आपको कैमरा परफॉर्मेंस काफी तगड़ी देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस फोन के अंदर आपको 6000mAh का बैटरा दिया गया है, जहां पर आपको 15 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसका मतलब चार्जिंग टाइम आपको यहां पर काफी लंबा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यार, इस फोन के अंदर आपको डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी तीनों ही काफी अच्छा दिया गया है। और अगर बात करें यहाँ पर इस फोन के परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर एक्सिनोस का 10nm बेस, एक्सिनोस 9611 का चिपसेट, जो कि एक डिसेंट प्रोसेसर है, आपको डेली वर्क के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा, साथ ही आपको यहाँ पर नॉर्मल गेमिंग में भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 4GB की रैम, 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसे आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे 512GB तक। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर थोड़ा सा महंगा देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर 500 रुपए एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, लेकिन उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, साथ ही कैमरास भी काफी अच्छे दिए गए हैं। इसके साथ में यहाँ पर आपको बैटरी भी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी और परफॉर्मेंस भी यहाँ पर आपको इस प्राइस के हिसाब से अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो देखा जाए तो ओवरऑल काफी अच्छा पैकेज है, अगर आप चाहें तो इस फोन के साथ में जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 12,499 रुपए की प्राइस पर। दोस्तों जितने भी स्मार्टफोन्स की आज हम बात करने वाले हैं, उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो वहां से जाकर के जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं यहाँ पर उन स्मार्टफोन यूजर्स की जिन्हें इस प्राइस पर एक कंप्लीट पैकेज चाहिए, यानी दोस्तों अच्छा कैमरा, अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस, अच्छी डिस्प्ले और साथ ही अच्छी बैटरी बैकअप। तो दोस्तों वो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 9। सो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक बॉडी के साथ में देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको वाटर रैपलेंट डिजाइन दिया गया, जिसका मतलब आपका स्मार्टफोन हल्के फुल्के पानी में सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, जिसका मतलब आप यहां पर एक साथ में 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा यहां पर आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया गया है और साथ ही ये स्मार्टफोन आपको यहां पर एंड्रॉइड 10 पर देखने को मिल जाता है। तो बेसिक फीचर्स की तो हमने बात कर ली, बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं यहाँ पर इस फोन के मेन फीचर्स की। सो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 12nm बेस, MediaTek G85 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी तगड़ा प्रोसेसर है, जहां पर आपको डेली वर्क, मल्टीटास्किंग और साथ ही हैवी गेमिंग के लिए काफी अच्छी और तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो परफॉर्मेंस के मामले में यहां पर आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा इसके बैक में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जहां पर आपको 18W यानी 18W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ में यहाँ पर आपको 9W की रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा।
और गाइस अगर बात करें यहाँ पर इस फोन के कैमरा की, तो यहाँ पर आपको बैक में चार कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल का। इसके अलावा यहाँ पर आपको 8+2+2 मेगापिक्सल के तीन और कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे। और बात करें सेल्फी की, तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप फुल HD की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से, और साथ ही आपको यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। वैसे बात करें यहाँ पर इस फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंच की फुल HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पर आपको पंच होल कटआउट डिजाइन देखने को मिलता है। डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी तगड़ी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में यहाँ पर इस फोन के अंदर आपको मिल जाती है 4GB की रैम, 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज, जिसे आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे 512GB तक। तो फ्रेंड्स, ये काफी कमाल का पैकेज है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको कुछ कमियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको काफी सारे प्री ब्रॉडवेयर ऐप्स देखने को मिलेंगे, और साथ ही आपको यहाँ पर काफी सारे एड्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको काफी ज्यादा इरिटेटिंग फील होगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काफी कमाल का पैकेज है। तो अगर आप यहाँ पर इन दोनों चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो ये स्मार्टफोन भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। और ये स्मार्टफोन आपको मिलता है यहाँ पर 11,999 रुपए की प्राइस पर। लेकिन दोस्तों, अगर गेमिंग ही करनी है तो बड़ी डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और साथ ही एक तगड़ा गेमिंग चिपसेट हो तो और भी ज्यादा मजा आ जाता है। और ऐसे में यहाँ पर आपको एक स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, और वो है यहाँ पर टेक्नो की तरफ से टेक्नो पोवा 2। दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 के साथ में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी दी गई है, जहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड के स्लॉट भी देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब कि आप इसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से एक्सपांड भी कर सकते हैं। बेसिक फीचर्स वगैरह की बात तो हो गई, बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। सो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.9 इंचेस यानी लगभग 7 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको पंच होल कटआउट डिजाइन दिया गया है। तो फ्रंट लुकिंग यहाँ पर आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी अच्छी और बड़ी देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस फोन के बैक में आपको यहाँ पर चार कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, बात करें सेल्फी की, तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, और फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और कैमरा परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिल जाएगी। और इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 7000 mAh का महा बैटरा देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको सिर्फ 18 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। तो यार, इसका मतलब यह हुआ कि चार्जिंग टाइम आपको यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस फोन के अंदर आपको डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा तो अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रोसेसर भी तो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मिलता है 12 nm बेस्ड MediaTek Helio G85 का चिपसेट, जो कि काफी तगड़ा प्रोसेसर है इस प्राइस के हिसाब से। यहाँ पर आपको काफी अच्छी गेमिंग भी करा देगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर डेली टास्क और मल्टीटास्किंग में भी कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगी यहाँ पर 4GB रैम, 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज, जिसे आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे 512GB तक। वैसे देखा जाए तो काफी अच्छा फोन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको कुछ कमियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको काफी सारे प्री ब्रॉडवेयर ऐप देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिस्प्ले के लिए कोई प्रोटेक्शन भी नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको 180 हर्ट्ज तक की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी अच्छा बनाएगी। साथ ही यहाँ पर आपको 7 इंचेस की डिस्प्ले, 7000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाएगी, और साथ ही यहाँ पर आपको डिसेंट कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यार ये फोन पसंद है, तो आप इस फोन के साथ में जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिलता है यहाँ पर 4GB रैम, 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 10,999 रुपए की प्राइस पर। वहीं पर इसका 6 और 128 वाला जो वेरिएंट है, वो आपको मिलता है यहाँ पर 12,999 रुपए की प्राइस पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, जहाँ पर आपको क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में अच्छी खासी गेमिंग और अच्छा कैमरा भी देखने को मिल जाए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोमैक्स की तरफ से माइक्रोमैक्स इन नोट 1। ये स्मार्टफोन आपको प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक बॉडी के साथ में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाते हैं, जिसका मतलब आप यहाँ पर 2 SIM और 1 MB कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 के साथ में क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है। सो बेसिक फीचर्स हो गए, बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो ये जो फोन है, यहाँ पर भी आपको MediaTek Helio G85 का ही तगड़ा वाला गेमिंग चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा इस फोन के अंदर आपको बैक में चार कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएं, जहाँ पर मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल का, और इसके साथ में यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा।
और यहाँ पर भी आप फुल HD की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से। साथ ही आपको यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। और बात करें यहाँ पर बैटरी बैकअप की, तो इस फोन के अंदर भी आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको 18W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। और जहाँ तक बात है इस फोन के डिस्प्ले की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको पंच होल कटआउट डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस के हिसाब से यार इस फोन का लुक काफी ज्यादा बेटर बना देता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कलर्स और ब्राइटनेस वगैरह भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके साथ में इस फोन में आपको यहाँ पर 4GB की रैम, 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसे आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे 256GB तक। और वैसे बात करें यहाँ पर इस फोन की कमियों की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन के फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिक्योरिटी काफी अच्छी मिल जाएगी और साथ ही स्पेसिफिकेशन काफी तगड़ी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो इस फोन के साथ में जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिलता है यहाँ पर 11,499 रुपए की प्राइस पर। वैसे दोस्तों इसका एक और भाई है जो कि आपको मिलेगा 11,499 रुपए की प्राइस पर, लेकिन यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G80 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पर आपको 6GB तक की रैम और 128GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर ज्यादा रैम और स्टोरेज वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, जहाँ पर आपको क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड भी देखने को मिल जाए, तो आप इस फोन के साथ में भी जा सकते हैं। और वैसे गाइस बात करें यहाँ पर इस लिस्ट के सबसे आखिरी फोन की, तो वैसे तो ये स्मार्टफोन यार कम प्राइस पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अब स्मार्टफोन की प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ चुकी है, लेकिन उसके हिसाब से भी काफी तगड़ा फोन है। और ये स्मार्टफोन है यहाँ पर रियलमी की तरफ से, रियलमी नार्जो 34। फ्रेंड्स ये स्मार्टफोन आपको डिजाइन के मामले में काफी अच्छा देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और साथ ही यहां पर आपको ट्रिपल कार्ड के स्लॉट भी देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही इस फोन के अंदर आपको यहां पर एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिक फीचर्स की तो बात हो गई, बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको पंच होल कटआउट डिजाइन दिया गया है, साथ पे जहाँ पर आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। तो देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसके बैक में आपको यहाँ पर 3 कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मेन कैमरा दिया गया है 48 MP का है। सेल्फी भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। पर इसके फ्रंट कैमरा से आप फुल HD तक की, और इसके अलावा दोस्तों आप यहां पर इसके बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और वैसे कैमरा परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो कैमरा परफॉर्मेंस भी यहां पर आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगी। वैसे अगर आप यहां पर HDR क्वालिटी पर अच्छी खासी गेमिंग करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको 12 NM बेस मीडियाटेक हीलियो G95 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि पहले आपको यार 15,000 से 16,000 रुपए की प्राइस पर मिलता था, लेकिन अब स्मार्टफोन के अंदर आपको काफी अच्छी प्राइस पर मिल रहा है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर HDR क्वालिटी की गेमिंग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आपके लिए एक काफी तगड़ा ऑप्शन है। और इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको 30W की चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। वैसे दोस्तों इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में भी यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कमियां जरूर देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन 12,499 रुपए की प्राइस पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो बढ़ चुकी है, और अब ये स्मार्टफोन आपको मिलता है यहाँ पर 12,999 रुपए की प्राइस पर। वैसे इन सभी के अलावा भी 2 ऐसे फोन है जो कि आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। पहला तो यहां पर है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 10, जो कि आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, और ये स्मार्टफोन आपको 11,000 रुपए की प्राइस पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पर HD प्लस की रिजोल्यूशन चलेगी, इसके अलावा यहाँ पर आपको हाई रिफ्रेश रेट, डीसेंट प्रोसेसर और साथ ही डीसेंट कैमरा चाहिए, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं मोटो का मोटो G30। सो दोस्तों ये थे वो कुछ स्मार्टफोन जो कि आप 11,000 से 11,500 के प्राइस पर चेकआउट कर सकते हैं, और ये आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपकी जो क्वेरीज है उसे रिप्लाई जरूर करेंगे। इसके अलावा उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करने के लिए या फिर ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।